अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो ये जो कहानी है, इसने बोली कि हमने कौसर को कभी एक्सेप्ट नहीं किए और उसका बच्चा मरा था, तभी मैं थी जो सबसे पहले मैं पिटारा के सपोर्ट में खड़े हुई थी और हमने एक्सेप्ट नहीं किए। इसके माँ बाप को भी पता है क्योंकि उन लोगों ने रिश्ता करवाया था। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे इधर औरतें जाती है ना रिश्ता लेके, जरूर कौसर घोड़े पे बैठ के गई होंगी बारात लेके, गंजू तो निकाह करनी है ना। तो एक बात याद रख कहानी, कि हमारे पास में ना कौसर के बाप की वो वीडियो पड़ी है अभी तलक के, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि रिश्ता लेके ना खुद पिटारा आई थी और सारा कुछ है ना प्री प्लान्ड। साफ तू खुद ही बता रही है कि पिटारा ने फोर्सफुली भेजी थी। कौसर के बाप की वो वीडियो जिसके अंदर वो बोल रहा है कि पिटारा खुद रिश्ता लेके आई थी, पिटारा ने खुद फोर्सफुली ये रिश्ता करवाई थी, उसके बाद में तुम लोगों को फोर्सफुली शादी में भेजना और उसके बाद में उसका मशहूर हो के उस शादी को इस तरह से कौसर को जलील करवाना, ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि ये सारा कंटेंट था। ठीक है, ये पिटारा ने जानबूझ के किए और ये शादी पिटारा ने करवाई थी एजाज के साथ में मुंह काला करने के लिए, और तू बोल रही है कि कौसर के माँ बाप ने करवाए थे। कैसे? हाँ अच्छा, मतलब तेरी बेटी का होगा तो लड़के वाले रिश्ता लेके नहीं आएंगे ना, है ना? तो खुद जाएंगी या तेरी बेटी जाएंगी और लड़के से जाके निकाह कर लेंगी? तुम लोग खुद जाएंगे सामने से तेरी बेटी का रिश्ता लेके और लड़के के मुंह में कपड़ा ठूसेंगे और उसके हाथ पैर बांध के लेके आएंगे और उससे साइन करवाएंगे और मार के बोलेंगे कि चल बोल कबूल है कबूल है, तब तेरी बेटी का निकाह होगा। राबिया कहानी, तेरे आगे अल्लाह ने औलाद दिया है ना, वो भी बेटी जात। मेरे ख्याल से इसको भी बेटे नहीं है, इसको बेटे नहीं है। हाँ तेको तो बेटे ही नहीं है ना, मेरे ख्याल से तेको तो सबके सब बेटियां ही हैं। फिर भी तू इतनी गिरी हुई सोच रख रही है, इतनी घटिया बात कर रही है। तू सोच रही है मैं कौसर के अगेंस्ट बोलूंगी तो लोग मुझे बड़ा पसंद करेंगे, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? अरे डूब के मर जा घटिया औरत। आप लोगों को मैं ये बात भी याद दिला दूं कि मदनी ने एक लाइव किया था, एक दो वीडियो डाला था जिसके अंदर उसने यही बताया था कि इसका हस्बैंड गया था निकाह के टाइम पे। वहाँ जाने के बाद में फिर उसने बोला था कि पिटारा ने भेजी है इजाज़त दे के कि निकाह कर लो, तो आप बैठो मेरे निकाह में। तब जाके इसका हस्बैंड इसके निकाह में बैठा था, मतलब कि शादी करवाने वाले यही लोग थे। भले हाँ इजाज़त दी थी पिटारा ने, पिटारा ने ही शादी करवाने के मतलब ये सारा प्लान की थी, वही ने शादी करवाई थी। आज भी मेरे पास में मदनी की पूरी लाइव और पूरी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं लगा दूंगी 2-3 घंटे के लिए, आप लोग देख लेना। और ये बोल रही है कि हमें तो पता ही नहीं था पिटारा ने फोर्सफुली भेजी थी, और यहाँ से बच के निकल रही है कि उसके माँ बाप ने शादी करवाए थे, तेरा हस्बैंड गया था शादी करवाने के लिए। काणी तू ज़्यादा शाणी मत बन, झूठी मक्कार औरत। वैसे जिस तरह से इसने कौसर के लिए बातें की है ना, कि कौसर ने अपनी मर्जी से, मतलब ये वही जताना चाहती थी ना कि कौसर ने शादी की है, गोंचू ने नहीं की, पिटारा ने नहीं की। गोंचू तो किकला काका था, है ना, मुंह पे उसके चूसनी लगी हुई थी, निप्पल चूस रहा था और कौसर ने निप्पल निकाल के बोली चल बोले कबूले कबूले, तो उसने कर लिया कबूल कबूल। तो ये तेरी बेटी जो छुपके से शादी करने वाली थी और करेंगी ना इसी तरह से, मतलब के तुम लोग दोनों माँ बाप मिले हुए रहेंगे और वो चुपके से जाके शादी कर लेंगी ना, तो फिर आके कहानी बताना। क्योंकि तू तो यही जता रही है ना कि कौसर ने तो चुपके से शादी कर ली थी, उसके माँ बाप ने करवाई थी ना, तो तुम लोगों ने करवाई ना पिटारा ने करवाई, तो तेरी बेटी भी सेम ऐसे ही शादी करेंगी। और जो तू ऐसे जता रही है ना कि दूसरी शादी कर लिया था तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किए, तो भाई तुम्हारे खानदानों की तो परंपरा है दो दो शादियां, और खास करके पिटारा के मायके की परंपरा है भाई दो दो शादियां। तो तुझे किस चीज की तकलीफ उठी थी? कौन सा वो तेरे मर्द की औरत बन के आई थी जो तू एक्सेप्ट नहीं करेंगी? पिटारा खुद बोलती है मैंने एक्सेप्ट कर ली, कंटेंट के लिए उसने तो एक्सेप्ट कर ली। तेरे को बड़ा दर्द हो रहा है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किए? अरे बैठ कहानी की, कहानी एक बात बता, तू इतना चाट रही है पिटारा को, फिर भी लोगों ने तुझे क्या बोले कि पिटारा के घर पे नहीं जाना, उसके घर पे पहले भी चोरी हुई है, ये तो तेरी औकात है। देख ले तेरी औकात, उसकी ऑडियंस तुझे आके बराबर बता रही है। गलत को सपोर्ट करोगे ना तो इसी तरह से जलीलो ख्वार होंगे और इसी तरह से है ना तुम लोग मतलब जलील हो के भी उसकी ही जूती चाटोगे तुम लोग।
बेशरम बोल रही है, हम लोग वहां पे क्यों जाएंगे, वहां होटल नहीं है क्या, हम कहीं और जाएंगे। देना जवाब उनको कि इतनी कौन सी वो महारानी है, और तू क्या होटल में रहेंगी, वो खुद तुम लोगों को घर में नहीं घुसाएंगी। उसका काम हो गया, उसको जमीन नाम पे करवानी थी, उसने करवा ली। इसके लिए ना अब वो तुम लोगों को मुंह नहीं लगाती है, तो तुम लोगों की मजबूरी ही है होटल में रहना। और सही उन लोग जो जो आके बोल रहे हैं ना कि तुम लोग चोरियां करते हो, उसके घर पे मत जाओ, एकदम सही बोल रहे, तुम लोगों की लायकी भी नहीं है जाने की छुट्टी कहीं की। अब आप लोग देखो, वो दिन पिटारा बोल रही थी कि मुझे कमेंट आ रहा था कि गोचू आप ही के पास रहता है, तो नहीं वो मेरे पास भी रहता है। वो उसके मेरे बोलने का मतलब ये है कि छोटे से छोटे कमेंट का वो जवाब देने के लिए आ जाती है। अब इसको क्या तकलीफ हुई है कि अम्मा जी आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपने आके मुझे ऐसे कमेंट किए तो मैंने वो लगा दी हूँ, मैंने डिलीट नहीं की, मैंने कम्युनिटी पे लगा दी, तो आप जाके पिटारा से पूछ लो, वो हमें क्लियर करेंगी। ये सारा कुछ इसने बोली है। तो एक बात बता, अगर के उसको क्लियर करना होता और अगर वो जो अम्मा जी बनी हुई है अगर उसको झुटलाना होता, तो वो जब एक एक कमेंट का जवाब देती है तो वो आके तुझे क्यों नहीं क्लियर करके गई? जब तलक के जमीन नाम पे नहीं हुई थी, घर नाम पे नहीं हुआ था, तब तलक के तो वो आ जाती थी तुझे क्लियर करने। लेकिन अभी काफी दिन हो गए है ना, वो तुझे क्लियर करने आ ही नहीं रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि वो अपनी मुंह बोली अम्मा का सपोर्ट कर रही है, वो तुझे झूठा करार दे रही है। समझ आ रही है कहानी? इसको देखो, बोल रही है मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। अरे बुढ़िया, तू उसकी बेटी की नहीं, तू उसी की उम्र की है। तू अपने आप को क्या किकली काकी समझ रही है? वो देखो भाई, वो सिस्टर जो बनाई हुई है पिटारा ने, पहले उसको बोल रही थी पिटारा कि मेरे को इसने बेटी बनाई है, मतलब कि इनकी उम्र ही नहीं बढ़ रही है भाई, सबके सब किकली काकली काकिया बनी हुई है। ये उसको बोल रही है मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, जबकि इसकी भी उम्र उसके ही जितनी नजर आती है, बल्कि तेरा मुंह है ना उससे भी बड़ा है। ये जो तू होठ टलक के दुपट्टा बांधती है ना, तो सही से अपना चेहरा दिखा तो लोगों को पता चलेगा तेरी उम्र क्या है, बेटी की उम्र की बूढ़ी घोड़ी। कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि मेरी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे खानदान में, मेरे ससुराल में, तो लोग खानदान में कुछ भी होता था तो बोलते थे कि काणी से पूछो, दज्जाल से पूछो। तो हाँ बिल्कुल, ये तो होता था, लेकिन क्यों होता था पता है आप लोगों को? क्योंकि इसका मुंह बंद करने का था। पिटारा ने जब इसके हस्बैंड के साथ में मुंह काला की थी ना, उसके बाद में इसने उसको बदनाम करने का पूरा ठान ली थी, उसकी सच्चाई बताने का पूरा ठान ली थी। लेकिन पूरे खानदान ने ये बोला था कि तेरी पूरी जिंदगी गुलामी करेंगे, बस ये चीज को बाहर मत आने दे। तो इसने उनके सामने तो अच्छी बन गई चुप रह के, लेकिन पीठ पीछे से ये सबको बताती थी कि पिटारा ने इसके हस्बैंड के साथ में भी काला मुंह कर चुकी है। और इसीलिए ना आज तक के उस चीज को लेके ये पूरे खानदान को ताने देती है, ब्लैकमेल करती है, और यही वजह से ना इसको बड़ापन मिलता है। तो ये इज्जत नहीं है काणी, ये इज्जत नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है। समझ आई? इज्जत कुछ और होती है जो कि तुम लोगों को नहीं पता। इज्जत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तलक। ज्यादा मत बोल के हमारी बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। इज्जत होती ना तुम्हारी, तो ऐसी घटिया औरत को तुम लोग अपने घर की बहू बना के नहीं रखते। और तुम्हारी खुद की भी क्या कहानी है वो भी हमें अच्छे से पता है। तू भी काणी, दज्जाल भी काणा, फिर तुम लोग एक दूसरे को पसंद कर लिए, फिर लव हो गया, फिर मैरिज हो गई, भागने की धमकी दी गई है ना। अपना भी हाथ बता, ये भी पिटारा से कम नहीं है। बहनों देखे थे ना आप लोगों ने शादी में कैसे कपड़े पहनी थी, कैसे नाच रही थी। तो ये सारी कुछ इसकी भी कहानी है, और बात कर रही है इज्जत की। मैं आप लोगों को इसकी एक कड़वी और काली सच्चाई बताती हूँ। इसको लेना था बदला पिटारा से, तो वो वजह से इसने और इसके हस्बैंड ने कौसर की शादी में सपोर्ट किए पिटारा को, ताकि पिटारा किसी के साथ में भाग जाए, कौसर की शादी हो जाएंगी, पिटारा भाग जाएंगी, फिर बदनामे जमाना होएंगी, लोगों के बीच में बदनाम होएंगी, इसकी बदनामी होएंगी कि देखो तीन तीन बच्चे छोड़ के, दो दो बच्चे छोड़ के भाग गई तीन बच्चे की माँ। तो जाके इसका बदला पूरा होना था, इसके लिए इसने पूरा सपोर्ट की थी पिटारा को भागने के लिए। लेकिन फिर उसका कॉन्टेंट चल गया और वो नहीं भाग पाई, इसीलिए लोग शादी में शामिल थे। और सारा जितना भी पिटारा ने प्लान की थी ना शादी का, उन सब चीजों में ये दोनों मियाँ बीवी शामिल थे। मैं आप लोगों को बताती हूँ इनके घर में इज्जतदार औरत कौन है।
इज्जतदार औरत सिर्फ और सिर्फ हीरा की माँ है, बस वो एक औरत है इनके घर में जो इज्जतदार है। बाकी खालिद अमीन की बीवी का मुझे कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में आज तक के हमने ऐसा कुछ सुने नहीं है, कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन वो टाइम पे खालिद अमीन को भी नहीं पता था, मतलब उसकी बीवी को बिल्कुल भी नहीं पता था ये शादी के पीछे क्या बात है क्या बात नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, हीरा की माँ को लग रहा था कि पिटारा के ऊपर जुलूम हो रहा है और वो पूरी पूरी सिंपत्ति इसको दे रही थी। लेकिन ये कहानी ये पूरी तरह से मिली हुई थी, और इसके लिए नहीं मिली हुई थी कि पिटारा चाहती है, ये इसके लिए मिली हुई थी ताकि पिटारा की बदनामी हो। ये थी सच्चाई। ये जो बोल रही है ना हमारे टाइम पे सपोर्ट में खड़े रहे सपोर्ट में खड़े रहे, तो ये है ना बहुत खुश हुई थी जब सलमा ने आके इसकी सच्चाई बताई थी। इसने किसी को बोली थी कि अल्लाह ने मेरा बदला लिया, इसने मेरा घर खराब की थी, देख लो इसकी बहन ने आके इसकी सच्चाई बताई। तो ये सारी कोई इसने बातें की थी। बोल बोल ना कहानी कि तूने ये सारी बातें नहीं की है। अरे तू कितनी अंदर की है ना, मैं तेरे को अच्छे से जानती हूँ। और जैसे झाड़ू वाली चुड़ैल है, डीडी है, जैसे पिटारा के प्रूफ बांटते थे ना, तो ये भी 1% भी पीछे नहीं थी। इसने भी बहुत सारी चीजें है ना लीक की है पिटारा की, पीठ पीछे फेक फेक आइडिया बना के, और असगर के सॉरी एजाज के साथ में बदनामी, एजाज की जो साथ में बदनामी वाला जो सीन था ना उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। और ये तो रियल लाइफ में उसको बदनाम करना चाहती थी एजाज के साथ, इसीलिए तो ये उसको सपोर्ट कर रही थी कि हाँ तू तेरे मियाँ की शादी करवा और एजाज के साथ भाग जा। इतनी कोई ये चालू औरत है। अच्छा ये बार बार एक बात बोल रही है कि आप लोग ऐसे बोलते हो, ऐसे कमेंट करते हो, ऐसा सोचते हो, ऐसा करते हो, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, ऐसे कमेंट नहीं किया करो, ऐसे नहीं बोला करो। तो एक बात बता कि क्या नाम है, कौसर ने तेरा क्या करी थी? कभी तेरे को कुछ बोली है? कभी तेरा कुछ बुरा की है? तू जो बैठ के बोल रही है कि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किए, उसके घर वालों ने शादी करवाए, तो ये तो वो, और भी तूने पहले बहुत बुराइयां कर चुकी है कौसर की, तो उसको बुरा नहीं लगता होगा? सलमा ने तेरे को क्या बोली जो तू उसको इंसाफ भी बोल रही है? तेरे को कभी उसने कुछ बोली? तेरे लिए कुछ बुरा की? तेरे लिए एक लफ्ज भी उसने कभी बोली है? तूने सोची है कि तू सलमा के बारे में इतनी जो बकवास की है उसको नहीं बुरा लगता होगा? तो पहले अपने गिरेबान में झांक, तुम लोगों को बुरा लगता है वो चीज़ तेरे लिए बड़ी मायने रखती है, दूसरों के लिए जो तू बैठ के बकवास करती है तू कभी सोचती नहीं है कि उनको कितना बुरा लगता होगा? ये सोच लेती है कि पिटारा के चमचों को बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन ये नहीं सोचती कि उनको कितना बुरा लगता होगा और उनकी बद्दुआ लगेंगी, उनकी हाय लगेंगी, तो तेरा क्या हशर होगा? जो तू बोल रही है बैठ के जो सपोर्टर नहीं थे सपोर्टर बनते थे, देखो उनका क्या हाल हुआ, तो तेरा कौन सा बहुत अच्छा हो गया? तू भी तो जलीलो ख्वार हो रही है ना, खाली तूने इस्लामाबाद जाने का बोली लोगों ने तेरी रेल लगा दी, तो तू कौन सी अच्छी है? तेरे को भी तो लोग जलील कर रहे हैं, जाहिर सी बात है घटिया औरत को सपोर्ट की थी तो जलील होना तो बनता है। तो पहले अपने गिरेबान में झांक फिर दूसरों को बोल। कि बार 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 ये बोल रही है कि वो करे नहीं करे, हम तो करते रहेंगे, हम तो सपोर्ट करते रहेंगे, तो एक काम कर उसके घर पे जा, उसके टॉयलेट धो, उसके बच्चे को पॉटी वॉटी धुलाया कर, उसके गंदे बर्तन कपड़े वगैरह धो, इस तरह से सपोर्ट कर ताकि बेचारी को थोड़ा आराम भी मिले। वीडियो बना बना के डॉलर छाप रही है और बोल रही है हम सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, ऐसे सपोर्ट का बेचारा क्या अचार डालेंगी? उसने तो अपने सारे सपोर्टरों को ठुड्डे लगा दी, आपको डिसऑन कर दी, तुझे क्या करेंगी, सर पे बिठा के नाचेंगी मोटी संडी वो? और चापलूसी, तू बोल रही थी ना कि तुम उसके सामने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो, चापलूसी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो चापलूसी तो तू कर रही है, वो सामने आती है तो है चेहरे पे खुशी आ जाती है, वो तो लाजवाब है। अरे शर्म कर शर्म, इतना कौन चाटता है किसी को? चमची तो खुद है, चाट खुद रही है और बोल दूसरों को रही है, वाह वाह कहानी। बाकी आप लोगों को बता दूं कि वो जो घर नाम करना था उसको लेके इन लोगों ने बहुत ब्लैकमेल किए थे पिटारा को, घर नाम करके ही नहीं दे रहे थे, फिर तो भाई वो तो पिटारा है, आप लोगों को पता है कि फिर तो वो शैतानी दिमाग की औरत है। फिर उसने इसको लिया आड़े हाथ और 24 घंटा लाबियाबाजी 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 के तस्वीर पढ़ने लगी, जिसकी वजह से लाबियाबाजी को लगा कि अब तो ये मेरी गुलाम बन चुकी है।
कभी घोंचू उसको क्लियर कर रहा है, इसके फंड को क्लियर कर रहा है, तो कभी पिटारा बार बार नाम ले रही है, तो इसको लगा के चलो भाई अब ये मेरी पूरी गुलाम बन चुकी है और जिंदगी भर के लिए बन चुकी है। फिर इतने बिचारी ने साइन कर दी और इसके हस्बैंड से भी साइन करवा दी, और जैसे ही घर उसके नाम पे हो गया फिर उसने इसको लात दिखा दी, और उसके बाद में इसने उसको कॉल करके बातें भी सुनाई है। जब नज्जो इन लोग गए थे और वीडियो बनाए थे वहाँ पे, उस टाइम पे इसने पिटारा से बहुत लड़ी है, और इस सब चीज़ों का नज्जो इन लोग नहीं गए थे, पता नहीं शादी में या पता नहीं कहाँ पे वीडियो बनी थी, तो तब से इसको मिर्ची लगी है, इसने पिटारा को बातें सुनाने की कोशिश की थी, और पिटारा ने बाद में मतलब के बहुत झगड़ा हुआ इनका, और फिर पिटारा ने इस चीज़ का सबूत दे दी, ना मीटअप पे बुलाई, ना बर्थडे पे बुलाई, ना कोई पार्टी पे बुलाई, ना कोई सेलिब्रेशन पे बुलाई, ना मिलियन की पार्टी पे, कोई चीज़ पे इसको नहीं बुलाई। तो ये चीज़ इसका सबूत है कि इसका और पिटारा का झगड़ा हुआ है, पिटारा इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब आगे अगर ब्लैकमेल करके रखवा ले तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल की यही सिचुएशन है, और यही चीज़ उसने अपनी मुंह बोली माँ को बताई है, इसीलिए उसकी मुंह बोली माँ इसको जलील कर रही है। तो जी ये थी सारी सच्चाई, ये जो आके अच्छी बन रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, तो इसकी एक्चुअली में ना फटी पड़ी है कि पिटारा ने अगर सारा कुछ बता दी होगी और वो चीज़ें वाइटी पे आ गई, तो उससे पहले ही मैं अपने सपोर्ट में कुछ लोगों को खड़े कर दूं तो अच्छा रहेगा। तो पिटारा को लोग वैसे भी आजकल बड़ा धो रहे हैं, तो इसकी सपोर्ट करेंगे, पिटारा को धोएंगे, इसके लिए ये कर रही है, इसको ब्लैकमेल कर रही है ये। पता है इसको जलन किस चीज की है कि पिटारा अपने मायके वालों को चाटती है, मायके वालों को पूछती है, मायके वालों के पास जाती है, हमको नहीं चाटती, हमको नहीं पूछती, हमको नहीं देती शॉर्ट आउट, और फिर बाद में बोल भी रही है कि जलन हसद हमें नहीं है, हम तो खुश है, हम हमारे घर में खुश है, बाबर तू वहीं शिफ्ट हो जा, उसके घर में रह जा, ये कर ले वो कर ले। ये सब बातों से ही पता चल रहा है कि जलन हसद किसको है। झाड़ू वाली चुड़ैल, तेरी बातों से ही तू बता रही है कि तुझे जलन हसद है, तू जल जल के ना कुड़ गई है पूरी, कि तुझे शॉर्ट आउट देने से पिटारा ने रूल बना दी, और उन लोगों को शॉर्ट आउट देना था तो कोई रूल नहीं था, इस चीज को लेके तुझे जलन हुई है। तो ऐसे ही जलती रहे और मरती रहे। मुझे तो इनके खानदान में ना एक बंदा बोलेंगे ना एक बंदा नहीं पसंद है, सबके सब है ना गटर माउथ है। कि ये बार बार बोल रही है ना कि हम तो जाएंगे वहां पे, हम तो इस्लामाबाद जाएंगे, हम होटल में रहेंगे, हम होटल में रहेंगे। मैं सितारा को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं साजिद भाई को कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम होटल में रहेंगे, ये दोनों बातें बार बार कर रही है ना, तो ये इसके लिए कर रही है ताकि पिटारा और साजिद इसको अपने घर पे बुला ले, मरे जा रही है शॉर्ट आउट के लिए, घटिया औरत। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।